ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा विड़िंग जदों तो मंत्री बने ने पूरी तरह एक्शन मोड च नज़र आ रहे हैं। प्राइवेट बस मालकां दी तानाशाही खिलाफ जिवें विड़िंग ने मोर्चा ही आरंभ कर लिया होवे। हाल ही विच टैक्स ना भरन करके पंजाब सरकार वल्लों न्यू दीप प्राइवेट बस सर्विस दे परमिट रद्द कर दिते गए ने। इस विरुद्ध दायर पटीशन ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा विड़िंग समेत पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी करके जवाब मंगया है। न्यू दीप प्राइवेट बस सर्विस ने एडवोकेट रोहित सूद राही पटीशन दायर कीती है। अपनी पटीशन विच उन्हां दस्या कि उन्हां नूं फरवरी 2018 विच परमिट जारी किए गए सन अते उन्हां परमिट दीआं सारीआं शर्तां दी पालना भी कीती है, पर पिछले साल कोरोना कारण 23 मार्च तो मुल्क भर में लॉकडाउन लगाउण करके सारिया बसां रोक दित्तियां गईयां सन। प्राइवेट बस सेवा वालियां नूं आ रही इस समस्या कारण सूबा सरकार ने उन्हां नूं राहत भी दित्ती सी। जदों महामारी घट गई तां प्राइवेट बसां 50% कैपैसिटी नाल चलण लगियां, पर इस तों बाद कोरोना की दूजी लहर ने दस्तक दित्ती अते फिर उन्हां दीआं बसां रुक गईयां, पर दूजे लॉकडाउन विच सरकार ने उन्हां दी बांह नहीं फड़ी। पटीशनर ने अगे आख्या कि टैक्स का भुगतान ना करन करके 12 अक्तूबर नूं उन्हां दीआं 26 बसां जब्त कीतियां गईयां, जिस तों बाद उन्हां ने एक प्रतिनिधता दे के बेनती कीती कि उह टैक्स दे बकाए 4 किश्तां विच अदा करन लई तैयार ने। उन्हां दी मंग मन लई गई अते उन्हां ने उसे दिन पहली किश्त भी अदा कर दित्ती। इस मगरों यह फैसला होया कि वह हर महीने की पहली तरीक नूं अपनी किश्त अदा करनगे, जिस तों बाद उन्हां दीआं 6 बसां छड्ड दित्तियां गईयां, पर अगले दिन उन्हां दीआं 13 बसां नूं फिर जब्त कर लिया गया। उन्होंने संबंधित अथॉरिटी नाल गल कीती पर कोई हल नहीं निकलिया ते बाद विच उस दा परमिट भी रद्द कर दिता गया। इसलिए हुण पटीशनर ने अपना परमिट रद्द करन दे हुक्मां नूं रद्द करन दी मांग कीती है, जिस ते हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत बाकी सारियां विरोधी धिरां नूं नोटिस जारी करके जवाब मंगया है।